दिल्ली में 16% के आसपास, राजस्थान में 18%, हरियाणा में 20%, जम्मू कश्मीर में 21%, बिहार में 10%, त्रिपुरा में 15% के आसपास, झारखंड में 14% के आसपास, पौंडुचेरी में 11% के आसपास, ये बेरोजगारी दर के आंकड़े हैं सर। मैं जो पढ़ रहा हूं, जो नहीं पढ़े जाते मैं जानता हूं, ये लोग नहीं पढ़ते हैं, मैं ये भी जानता हूं, ये उनके पास भी आंकड़े होंगे जो आंकड़े मेरे पास है। ये मुद्दा क्यों नहीं है सर? आरके मिश्रा जी, मैं गलत आंकड़े पढ़ रहा हूं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही आंकड़े पढ़ रहे हैं आप, बिल्कुल। खास करके मैं एक चीज बता देता हूं, निश्चित तौर पर जिस तरह से अभी अनइंप्लॉयमेंट बढ़ी है उसका एक मेन फैक्टर जो लॉकडाउन था और कोविड था। मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, 97% लोग कहते हैं कि हमारी आमदनी कम हो गई, 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। मैं उस गंभीर विषय पर चर्चा कर रहा हूं, 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए और 97% लोगों की आमदनी कम हो गई। इस साल, इसी साल का मैं जिक्र कर रहा हूं, पेट्रोल डीजल चलिए छोड़ दीजिए, आप अपनी पीठ थपथपाएंगे, 30 रुपए बढ़ाया, 12 रुपए कम कर दिया, वो एक अलग विषय हो सकता है। इस साल CNG 7.06 रुपए आपने पर किलो के हिसाब से महंगी की, PNG 7.61 रुपए, 5 बार रेट बढ़े CNG के, 5 बार। नवंबर में LPG का सिलेंडर 2020 से अब तक 305 रुपए महंगा हो गया सर, 305 रुपए महंगा। आपको हैरानी होती है कि मुद्दा नहीं बन रहा? अगर यही विपक्ष में BJP थी तो मुद्दा याद है ना सर आपको, कौन कौन उठाता था? अब तो मैडम दिखाई भी नहीं देती। आपके घर गैस का सिलेंडर आता है सर? क्या रेट? आ रहा हूं उसी मुद्दे पर। क्या रेट है उसका सर? दीपक जी, उसी मुद्दे पर आ रहा हूं। रेट बताइए, रेट बताइए। 899 या ऐसे ही कुछ समथिंग है, 899 समथिंग, हाँ कुछ ऐसे ही है, 900 रुपए के आसपास है, करीब 900 रुपए। मैं आपको बताता हूँ, 305 रुपए महंगा हो गया सर, 305 रुपए महंगा नवंबर 2020 से लेकर अब तक। मैं गलत बोल रहा हूँ? बता रहा हूँ, सिलेंडर आपने बताया कि 305 रुपए महंगा हो गया जो मैंने पूछा आपसे, और आपने कहा कि 899 रुपए समथिंग आपके यहाँ आता है, तो ये मुद्दा क्यों नहीं बन पा रहा, आपको क्या लगता है? देखिए तिलक जी, हर एक पार्टी का इसमें, हर एक पार्टी का योगदान होना चाहिए। आज मान लीजिए केंद्र सरकार सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी घटाई उसने निश्चित तौर पर, तो ये हर एक सरकार को सोचनी चाहिए। आप अपने समय में सेलेक्टिव, अब मैं आ गया, मैं गैस सिलेंडर की मैं कह रहा हूं, गैस सिलेंडर हो, चाहे टमाटर हो, चाहे आलू हो, चाहे प्याज हो, यस, याद दिला, मैं कह रहा हूं दो तीन बात, अच्छा याद दिलाया, बिल्कुल नहीं, बहुत बिल्कुल मैं कह रहा हूं, मैं उसी पर आ जाता हूं। ओके, प्याज का रेट अक्टूबर में 20-25 रुपए था, नवंबर में हो गया 50-60 रुपए, 50-60 रुपए। आलू का रेट 12 रुपए था, 40 रुपए हो गया। टमाटर का रेट 20 रुपए था अक्टूबर में, 80 रुपए हो गया नवंबर में। लहसुन का रेट अक्टूबर में 160 रुपए था और नवंबर में हो गया 250 रुपए। लौकी का रेट 20 रुपए था, 20 रुपए, और अब हो गया नवंबर में 50 रुपए। धनिया 100 रुपए, नवंबर में हुआ 250-300 रुपए। गोभी का रेट 40 रुपए, नवंबर में 80 रुपए। टिंडा 40 रुपए, 105 रुपए। सर लिस्ट तो बहुत बड़ी है, और मैं तो इस बात को लेकर चिंतित हूं, जो गरीब आदमी सरसों का तेल लेता है सर, उसको तो बख्श देते कम से कम, मिश्रा जी वो तो बख्श सकते थे सर। बिल्कुल, ये रेट हैरान करते हैं। फैक्टर है तिलक जी, ऐसा है, दो तीन फैक्टर है, जहां पर आपने देखा है जो कि अभी अक्टूबर तक बारिश हुई है, अभी अक्टूबर तक जो हम लोगों ने देखा है, तो निश्चित तौर पर जिस तरह से एक मौसम भी जो है तो इसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया है, जो कि 2014 से पहले ऐसे मौसम रहते थे सर? नहीं रहते थे, मैं कहा कह रहा हूं जो कि नहीं रहते थे, लेकिन कहने का मतलब यह है जो कि जिस तरह से कोरोना काल आया, मैं आपको कोरोना का भी, तो मौसम से सरसों के तेल का क्या लेना देना सर? सर तिलक जी, प्री कोविड और पोस्ट कोविड दोनों इंपैक्ट है। आप इंडस्ट्री, दो तीन पॉइंट बताऊंगा, लेकिन वो गरीब आदमी जो सर छोड़िए ना, वो थैला भर के कभी सब्जियां आती थी, आजकल तो थैले में पैसे जाते हैं और सब्जियां आती हैं पाव में। तो ये मुद्दे एजेंडे तय कौन करता है? जय जी, मैं ये जानना चाहता हूँ,
ये जनता थोड़ी ना तय करती होगी कि आप न्यूज चैनल्स पर दिखाइए, वो टकरा दो, लड़ा दो, भिड़ा दो, राष्ट्रवाद, वो हिंदू, वो मुसलमान, ये जनता थोड़ी ना कहती होगी कि दिखाओ भैया यही दिखाओ। जनता कहती होगी महंगाई पर भी कभी दिखाओ, महंगाई पर भी चर्चा करो, बेरोजगारी पर भी चर्चा करो, कि जनता तय करती है कि कोई और तय करती है। बिल्कुल, अभी अभी जिस तरह से सपा नेता अभी कह रहे थे जो कि ध्रुवीकरण की राजनीति भाजपा करती है, बिल्कुल नहीं करती है ध्रुवीकरण की राजनीति। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहूं, मैं जो कि जिस तरह से जिन्ना के शब्द का प्रयोग किया गया उसके साथ ही ओपी राजभर का जिस तरह से बयान आया, निश्चित तौर पर यह ध्रुवीकरण इन विपक्षियों द्वारा, इन नेताओं द्वारा जो किया जा रहा है, क्योंकि ओवैसी साहब का यहां पर यह हो गया जो पहले इससे ओवैसी साहब, हाँ ओवैसी साहब, मैं वही कह रहा हूं, ओवैसी साहब का एंट्री हो गया, मैं हाँ मैं बिल्कुल साहब ही कह रहा हूँ उनको, ओवैसी साहब का एंट्री हो गया यहाँ पे, मिश्रा जी क्या हो गया, हाँ नहीं 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 मैं वही चीज कह रहा हूँ। तो जब अब पहले इन्होंने था जो कि 19% जो वोट है ये समाजवादी पार्टी के अंदर में है, कौन से लेकिन अब उस वोट के 19% जो मुस्लिम वोट जो यूपी में जो है यही पहले समझते थे ये समाजवादी पार्टी है, यही 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 19% यही तो मैं उगलवाना चाह रहा था, मैं बात कंप्लीट करूं 19% मैं बात कंप्लीट करूं 19%